पार्ट 10 में हम देख चुके हैं यितिन के रोकने के बाद भी जिन्यू उसे छोड़कर लिनमैन से मिलने चली जाती है और यितिन ने लिनमैन को पकड़ने के लिए लाइट हाउस पे ऑलरेडी असिस्टेंट को भेज दिया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 11 से पहले पार्ट 10 भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 11 में हम देखते हैं जिन्यू लाइट हाउस में मॉम को ढूंढने आती है तभी वहाँ यितिन भी पहुँच जाता है जो दूर से उसे खड़ा देख रहा था पर पूरी रात वेट करने के बाद भी लिनमैन नहीं आती। यितिन को जिन्यू की चिंता हो रही थी तो ये देख असिस्टेंट कहता है बॉस आप पहले यहाँ क्यों नहीं आए थे क्या इस वजह से कि आप नहीं चाहते कि हम लिनमैन को जिन्यू के सामने पकड़ें या आप जिन्यू की वजह से अपने बदले से पीछे हट रहे हैं। वो कहता है हाँ मैं लिनमैन को जिन्यू के सामने नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि मैं जिन्यू को सैड होते नहीं देख सकता। जिन्यू वहाँ पे कुछ ड्रॉ करने लगी थी उसकी ये हालत देख यितिन खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास आ जाता है। जिन्यू कहती है सॉरी मैं यहाँ अपनी मॉम से मिलने आई थी क्योंकि मुझे उनकी चिंता है और मैं पूरे बर्थडे यानी पूरे 24 घंटे उनका वेट करूँगी। तो यितिन भी उसके साथ वहीं पे बैठ जाता है। यितिन सोचता है मिस्टर तैंग तो पहले ही लिनमैन के साथ काम करता था और उसने पहले उसकी भागने में हेल्प भी की थी तो लिनमैन अब उससे क्यों भाग रही है और मिस्टर तैंग लिनमैन को पकड़ना क्यों चाहता है। इन सब सवालों का जवाब लिनमैन को पकड़ने के बाद ही पता चलेगा पर उसे इस बात का भी डर था कि लिनमैन के पकड़े जाने के बाद उसे जिन्यू से अलग होना पड़ेगा। रात के 12 बज चुके थे पर लिनमैन का तो अता पता ही नहीं था तो जिन्यू रोते हुए कहती है मॉम मुझे मिलने नहीं आ पा रही या उन्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था। मैं हर दिन ठीक होने का नाटक करती हूँ पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं तो वो भी नहीं बोल पाती जो मैं कहना चाहती हूँ। वो उसे छुपाने लगा था तभी दो लड़के आकर कहते हैं देखो देखो डेटिंग चल रही है। वो उन्हें जाने को कहता है पर वो कहते हैं तुझे इसे किस करना होगा तभी हम जाएंगे अगर तू इसे किस नहीं कर सकता तो मैं करूं। और जिन्यू को टच करने वाला था पर यितिन फाइट मोड में आ जाता है। वो लड़के यितिन के ग्लास बॉटल मारने वाले थे पर जिन्यू उसकी आज्ञा चाहती है। असिस्टेंट वहाँ आने वाला था तो यितिन उन्हें इशारे से मना कर देता है। यितिन को जिन्यू की चिंता हो रही थी वो कहती है मैं ठीक हूँ पर वो फिर भी उसकी केयर करने लगा था तो वो कहती है आई लाइक यू। यितिन तो हैरान था। जिन्यू कहती है भले तुम मुझे लाइक करो या ना करो पर मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ आई लाइक यू। वो पीछे होता है तो वो सैड होती है पर वो कहता है स्टार्टिंग में मैंने इस बारे में नहीं सोचा था तो मैंने तुम्हें गलत समझने दिया पर अब मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग पसंद है और उसे किस कर देता है। तो जिन्यू अपनी आइज बंद कर लेती है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। अब तो जिन्यू का यितिन को छोड़कर घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था तो वो उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलता है पर जिन्यू तो बहुत क्लिंजी हो रही थी। फिर वो कहता है हैप्पी बर्थडे आज रात साथ में डिनर करेंगे तो वो बहुत खुश होती है और उसकी किस करके भाग जाती है पर फिर सोचती है सॉरी बॉस मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने वहाँ मॉम के लिए एक मैसेज ड्रॉ किया था। यितिन जिन्यू को देख सोचता है जब तक लिनमैन नहीं आती तब तक तो मैं तुम्हारे साथ रह ही सकता हूँ। और इधर हम देखते हैं कि लिनमैन लाइट हाउस में आकर जिन्यू का वो मैसेज पढ़ लेती है और रोने लगी थी। मिस्टर तैंग के कहने पे यितिन उसे लीशेंग के प्रॉपर्टी पेपर्स देने आता है पर दोनों ही एक दूसरे पर शक कर रहे थे। मिस्टर तैंग पूछता है तुम जिन्यू के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो अगर उसे पता चलेगा कि तुमने लिनमैन की कंपनी लीशेंग के साथ क्या किया है और क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है। यितिन कहता है हमने ये लीगल किया है और अगर उसे पता भी चल गया तो कुछ नहीं कर पाएगी और मेरा जिन्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं वो बस लिनमैन तक पहुंचने का एक जरिया है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर तैंग लिनमैन को बिजनेस करने के मेथड बताया करता था क्योंकि लिनमैन के लिए उसके हस्बैंड की डेथ के बाद बिजनेस संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था और उसे अंत में कंपनी को बचाने के लिए मिस्टर तैंग के अकॉर्डिंग ही बिजनेस करना पड़ता था और हेल्थी फॉर्म की लैंड को हथियाने का सारा खेल तो मिस्टर तैंग का ही था। जिन्यू और यितिन शॉपिंग करने आते हैं पर यितिन उसे अपनी पसंद के बारे में कुछ नहीं बताता जो भी वो पूछ रही थी सिर्फ यस बोल रहा था। वो उससे पूछती है वैसे तुम्हें उस दिन कैसे मालूम था कि मैं लाइट हाउस में हूँ। वो कहता है मैंने तुम्हारा पीछा किया था और उसके सारे पॉलिथीन खुद उठा लेता है तो वो उसे अपना पर्स भी पकड़ा देती है।
इधर हम लिनमैन और मिस्टर शू को देखते हैं और लिनमैन को अंकल ने एक चिप सेंड की थी जिसमें मिस्टर तैंग के गुनाहों का प्रूफ था और वो अब लीशिंग को बर्बाद करने वाले मिस्टर तैंग और जितिंग के खिलाफ मिस्टर शू के साथ मिलकर प्लान बना रही थी। जिन्यू रोबोट से कहती है, मैं अब बॉस को बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करने दूंगी, जो यितिंग सुन लेता है। खाना बनाते टाइम जिन्यू का हाथ स्टीम से बर्न हो गया था तो यितिंग उसके आइस लगाता है और खाना बनाने में उसकी हेल्प करने लगा था तो वो बहुत खुश होती है। यितिंग के फोन की आवाज़ सुन वो उसके रूम में फोन उठाने जाती है पर यितिंग उसे रोक देता है। इनफैक्ट वहाँ पे वही पजल पिक्चर रखी थी और उसे कहता है, आगे से बिना पूछे मेरे रूम में मत आना। वो सॉरी बोलती है। वो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, इनफैक्ट रूम में आते ही बेड को देख मेरा मन करता है। तो वो धीरे धीरे सरक जाती है। यितिंग उस पजल पिक्चर को बेड की साइड पे छुपा देता है। जिन्यू और यितिंग को इतना क्लोज होते देख जाओ हैरान थी पर फिर सैड भी होती है। अब तो जिन्यू घर पे आने से पहले यितिंग को हक करके आती है और जाओ के पूछने पे उसे बता देती है कि वो और यितिंग डेटिंग कर रहे हैं। जाओ को मिस्टर शू का मेल आता है कि वो ताइवान में आ गया है और जिन्यू से मिलना चाहता है। तो जाओ यितिंग से पूछती है, क्या मैं जिन्यू को बता दूं? पर यितिंग कहता है, नहीं, तुम जाकर पता करो कि वो ताइवान में क्यों वापस आया है। तो जाओ वहाँ जाती है और बहाने से मिस्टर शू से बातें करने लगी थी पर मिस्टर शू को लगता है कि जाओ का ब्रेकअप हो गया इसलिए वो बातें कर रही है। यितिंग और जिन्यू को याद कर जाओ भी सैड होकर ड्रिंक करने लगी थी पर बेहोश। जिन्यू यितिंग के ऑफिस में उसकी फोटो देखने लगी थी पर उसे देख छुपा लेती है तो वो उसके क्लोज होता है पर वो फिर उस फोटो को देख सैड हो जाता है। जिन्यू उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगी थी। वो कहता है, मेरे सामने कभी मेरे पेरेंट्स का जिक्र मत करना। पर जिन्यू को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जाओ माओ से यितिंग के बारे में पूछने लगी थी तभी यितिंग का फोन आता है जो उसे साथ में डिनर के लिए कंपनी में बुलाता है तो वो खुश हो जाती है और फिर जाओ माओ से यितिंग के पेरेंट्स के बारे में पूछती है पर वो कहता है, कभी भी उससे उसके पेरेंट्स के बारे में मत पूछना, उसे थोड़ा टाइम दो, वो एक दिन तुम्हें खुद ही सब बता देगा। पर एक प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें पता चले कि यितिंग ने कुछ ऐसा किया जिससे तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती तो उसकी बात सुने बिना उसे छोड़ के मत जाना। वो कहती है, हाँ मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। जाओ मिस्टर शू से ताइवान आने का रीज़न नहीं पूछ पाई थी तो वो उस पर गुस्सा करता है पर जाओ भी उस पर गुस्सा हो चली जाती है तो यितिंग रिग्रेट फील करता है। जाओ के जाते ही वहाँ मिस्टर शू आता है जिसे यितिंग ऑफकोर्स पहचान लेता है। मिस्टर शू यितिंग से बायोटेक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहने आया था पर यितिंग उसे डायरेक्टली मना कर देता है। मिस्टर शू के जाते ही यितिंग को याद आता है कि जिन्यू अभी कंपनी में उसे मिलने आने वाली है और कहीं वो मिस्टर शू को ना देख ले इसलिए वो भागता है। जिन्यू और मिस्टर शू आमने सामने आने ही वाले थे और तभी पार्ट 11 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।